बेइज्जती कर, नहीं कहीं ठिकान नहीं लगी, ठीक ना, कम बेइज्जती कर, पकड़ पकड़ बहुत बोला था वा, कहीं ठिकान नहीं लगी, जन तू पकड़ पकड़ बोला था वा ना यूट्यूबवा पर, कम कर दा, ठीक ना। दोस्तों देखिए हम एकदम बर्बाद हो गए हैं, एकदम हम बर्बाद हो जाएंगे। देखिए पहले अभी इतना दिन देखिए आप लोग कितना मौसम मर्चा भरा गया होगा। अच्छा, दोस्तों ये बताइए मर्चा से कोई बर्बाद होता है का? अरे दिनों रात ही देखिए फिर आ गया मर्चा हमारे घर पे अभी। तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम, कैसे है आप लोग, और वेलकम है आप लोग हमारे नए ब्लॉग में, और उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। और हमारे सिस्टर बहन माई दीदी मौसी लोगन सब जन हम जानते हैं मर्चा भरा तकबू, तो आप लोग सब लोग मर्चा भरिए, हम आएंगे आप लोग के घर खाने, और मेरा मर्चा खत्म हो जाएगा तब, मतलब मर्चा के बहुत दीवाने हैं। और देखिए दोस्तों पिछला वाला जो मर्चा था इतना छोटी छोटी था, अच्छा नहीं था, और ये मर्चा जो है बहुत अच्छा मिला है, और बहुत अच्छे रेट से 70 रुपये के जी मिला है। आप लोग बताइएगा, वो मर्चा 100 रुपये लाए थे, ये मर्चा 70 रुपये मिला है, इतना बड़ा बड़ा मर्चा, मस्त मर्चा मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा खाना रेडी हो चुका है, अभी गया है, इधर हमारे पति जी बैठे हुए हैं, तो हम पहले इनको एक और तोड़ के खिला देते हैं, तो आप लोग भी आइए खा लीजिए, और आप लोग खाना खा के बताइए कि क्या लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए, एरिया लीजिए। हेलो चाचू लोग, कैसे हो आप लोग, और यहाँ पर देखिए पापा खाना खा रहे हैं और मम्मी भी। तो नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते रात हो चुका है और हम आ चुके हैं अपने रूम में। देखिए देखिए आप लोग, यही होता है, इसी वजह से झगड़ा होता है हमारे घर, मतलब देखिए तेज हो गई आवाज, बम है देबा, है देबा बम। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा मेरे पति ने मुझे चुप करा दिया डांट करके, देखिए आवाज कम बेसी कर रहे हैं, टीवी बस देखते रहते हैं, बताइए हम लोग हम मतलब क्या करें, बस इनके साथ बैठ करके टीवी देखे मोबाइल देखे और कोई काम नहीं है मेरे पास, मतलब दिन भर करो काम, दिन में मतलब बच्चों को देखना, टिफिन तैयार करना, इनके स्कूल भेजना, घर का सारा काम करना, ऊपर से जब ऊपर आओ अपने मतलब अपने रूम में आओ तो इनका अलग ड्रामा चालू हो जाता है, बस ये अपना चालू क्या सुबह सुबह तो यही उठते हैं। तो अभी हमारी छनछन है, चुप रहा झूठ नहीं बोल जाला, बाप बेटी दोनों चमचा चमची है, अपने पाप का चमची है, चल इधर एंट्रो मार, हाथों मुंह हटा के चलते हमारी बेटी नहीं भागे से। तो दोस्तों ये चमची है, अपने बाप की चमची भाग मर लगे, समझ लगे रहो, जबरदस्ती बैठती है मेरे कोरे में, हमारी बच्ची झूठ नहीं बोलती, सच्चाई का साथ देती है, नहीं बेटा सच्चाई के साथ देती तू है, तू ही देख सच्चाई का देवता बड़ा, सब के झूठाई का मूर्ति बना है। चॉकलेट आप लोग देखिए, चंदा मामा बनल भाई, देखिए कपड़े चंदा मामा तंदा तो दिखा देबू, देखिए आप लोग इसका दांत जमने वाला नहीं है, नहीं जमेगा नहीं जमेगा, इसका ब्याह हुआ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा, रह देकर ब्याह नहीं हुई, यही रहिए हमार गोड़ और दबाइये, खाना वाना बना किए, तू अपन मोबाइल फेंक दे बहुत गुस्सा लग गई अब। तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव निषाद, हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आप लोगों को सच सुनना है तो मुझसे सुनिए, और जो भी मैं कहता हूँ पूरे सच्चे, कैसे कहूँगा, पूरे सच के साथ कहूंगा, सच पूरे सच के साथ कहूंगा, सच कहूंगा, सच सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कुछ लोग है जो मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, टाइम से मुझे चाय भी नहीं दे रहे हैं यार, इस सब परेशान हो गया, कम थोड़ा देर ये भी टीवी देखता है। अब इनके बोला सच्चाई। तो दोस्तों आप लोग से मतलब बताना चाहते हैं कि हमारे जो देवर है, मतलब मेरा जो छोटा वाला देवर है, उसका शादी का डेट फिक्स हो गया है, और उसका शादी कहाँ हो रहा है ये भी बता देते हैं, उसका शादी हो रहा है नेपाल में, देवर का शादी हो रहा है नेपाल में, और मई में पड़ा है शादी, 11 मई का है, 11 मई को उसका शादी है, तो अभी हम लोग मतलब इंतजार कर रहे हैं मई आने का, 11 मई को हमको मिलेगा जाने को नेपाल, जाएंगे बारात डुम 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 डुम, और खूब मस्ती करेंगे नेपाल में, बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत दिन हो गया गई थी, 15-15 साल पहले गई थी, उसके बाद जब ये कांड किए थे ये भागे थे छोड़ के तब गई थी, एक ही घंटे में वापस भी आ गए, मजा नहीं आया, स्ट्रेस में मैं टेंशन में थे ना इसलिए मजा नहीं आया, तो इस बार जाऊंगी तो खूब इंजॉय करूंगी, आप लोगों को वहाँ का अच्छा अच्छा वीडियो दिखाऊंगी, वहाँ पे मेरी नानी रहती है, मौसी रहती है, मौसा रहते हैं, नानी के बहुत सारे बच्चे रहते हैं, और वहाँ ना दोस्तों बहुत सारी खेती होती है जो लोग खरीद के नहीं खाते, अपने खेत में से पैदा करके खाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ पे। आप बोलेंगे कुछ
नमस्ते प्रणाम, क्या फिर नमस्ते प्रणाम बोले ला यार। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक शेयर, एक कमेंट, एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी छन छन के लिए। दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट चाचू लोग। चाचू लोग के